भूपेंद्र सिंह सरकार ने निगम मंडल और आयोगों में जिन राजनीतिक चेहरों को नियुक्त किया है उसमें क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं के करीबियों को साधकर नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। निगम मंडल की सूची को लेकर एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और आयोगों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों की वजह से भूपेंद्र सिंह सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दरअसल ये नियुक्तियाँ तब की गयी है जब कोरोना काल में प्रदेश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकार ने 32 नेताओं को निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मौजूदा हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के बाद निगम मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्ति की जाए। बीजेपी ने कहा है कि आंतरिक कलह से जूझती सरकार और संगठन में ये नियुक्तियाँ महज संतुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा है। विपक्ष ने ये सवाल भी दागा है कि क्या ये नियुक्तियाँ सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं डालेंगी। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के घटनाक्रम का असर इन नियुक्तियों में दिखता है। प्रदेश की हालत बहुत खस्ता है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कितना बड़ा बोझ डाल दिया है आज जब कर्ज पर यह सरकार चल रही है। बीजेपी के तमाम सवालों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि पार्टी के सक्रिय और निष्ठावान ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहली सूची में मौका दिया गया है जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए 15 साल तक पार्टी के लिए संघर्ष किया। मरकाम के मुताबिक दूसरी सूची में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बनाने का प्रयास होगा और पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। अगर जो असंतुष्ट होते हैं फिर जिनको जगह नहीं मिल पाई है हम वैसे चेहरों को भी हम कोशिश करेंगे, शायद सत्ता में हो या संगठन में हो, आने वाले दिनों में संगठन में भी विस्तार होना है तो हम कोशिश करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। निगम मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियाँ उस वक्त हुई है जब कोरोना काल है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में विपक्ष भी नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा रहा है। खैर अब जब नियुक्तियाँ हो गई हैं तो देखना ही है कि इससे बढ़ने वाले आर्थिक कोष को सरकार कैसे मैनेज करेगी। और सबसे अहम सवाल ये है कि राजनीतिक नियुक्तियों के बाद क्या छत्तीसगढ़ की विकास की रफ्तार भी जोर पकड़ेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।